नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो बच्चा लोग, हाउ आर यू। तो आज का अमेजिंग सेशन आपके लिए समथिंग डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आप लॉगरिथम के क्वेश्चंस देखते ही छोड़ देते हो। बच्चों, आज से और अभी से लॉगरिथम से प्यार हो जाएगा, बशर्ते आप इस वीडियो के एंड तक बने रहो। लॉगरिथम लॉगरिथम आप मैथ्स फिजिक्स में बहुत यूज करते हो, लेकिन आज मैं आपको इसका शॉर्टकट बताने वाला हूं। केमिस्ट्री में कहां कहां यूज करोगे, बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज कहां होता है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉलिड स्टेट। ये ऐसे चैप्टर हैं जहां पे लॉग का क्वेश्चन आता है और आप छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करना है। चलिए मैं आपको बेसिक क्लास में चलता हूं। याद कीजिए, मैंने आपको बेसिक क्लास में कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, याद है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों, अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बारे में बात करें, लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी का मतलब क्या होता था, लॉग ए माइनस लॉग बी। सेकेंड प्रॉपर्टीज, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। एंड थर्ड की अगर हम बारे में बात करें, लॉग ए की पावर बी अगर है तो हम लोग क्या लिखते थे, बी लॉग ए। लॉग बेस 10 और 10 के पावर समथिंग कुछ भी हो, वही क्या होता है, उसका आंसर होता है। यानी लॉग बेस 10 का मतलब क्या है, नॉर्मल लॉग है, क्लियर है? अब याद कीजिए एक और, लॉग बेस ई ई, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1। मींस यहां पे आपको एक चीज सीखने को मिलेगा, लॉग ई को हम लोग क्या बोलते थे, नेचुरल लॉगरिथम। क्या है बच्चों, नेचुरल लॉगरिथम, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, एलएन के थ्रू। अगर बेस 10 है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो सब जगह क्या है, यहां भी बेस 10 है, क्लियर है? तो वो क्या है, नॉर्मल लॉग है। अगर बेस ई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर नेचुरल लॉगरिथम और नॉर्मल लॉगरिथम में क्या रिलेशन है? तो सिंपल, आप याद करो मैंने आपको एक वैल्यू दिया हुआ था। रिलेशन के अगर इसके बारे में बात करें तो रिलेशन क्या होता है बच्चों, ln यानी नेचुरल लॉगरिथम किसकी, x, किसके इक्वल होगा, 2.303 log बेस 10 x। अब ये बहुत यूज होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा यूज होगा रिलेशन, ठीक है? अब बात करते हैं कुछ वैल्यू की। अगर हम लॉगरिथम की वैल्यू की अगर हम बारे में बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यू याद रखने हैं, बाकी सब अपना जुगाड़ बनाएंगे हम लोग और उससे सारे क्वेश्चन करेंगे विदाउट लॉग टेबल, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, लॉग लॉग 2 की वैल्यू याद करो, 3010। लॉग 3 की वैल्यू 4771, ये पॉइंट है बेटा, ठीक है? लॉग 5 की वैल्यू 0.6989। लॉग 7 की वैल्यू कितनी थी, 0.8451। तो ये सिंपल 4 वैल्यू आपको याद कर लेना है, बाकी कोई भी वैल्यू याद नहीं करना है, क्लियर है बच्चों? ये सिर्फ 4 वैल्यू आपको याद रखना है, क्लियर हो गया? अब देखो, लॉग 1 की अगर हम बारे में बात करें तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0.00 यानी 0, ये यहां पे डॉट, ठीक है? अगर लॉग 10 की अगर हम बारे में बात करें तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, सिंपल 1, यू नो अबाउट लॉग 10। अब देखो यहां पे इसके बीच की जो वैल्यू है, जैसे यहां पे क्या है, 2, 3, यहां 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, उसकी भी वैल्यू मुझे निकालना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना है, क्लियर है? देखो हम लोग निकालने जा रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ आपको ये फोर वैल्यूज याद रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे अब मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, लॉग फोर, लॉग फोर। तो लॉग फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, लॉग टू के पावर टू लिख सकते हैं, बोलो बच्चों। और अभी आप देखें जो पावर में होता है वो क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका मतलब टू इंटू लॉग टू, बोलो सिंपल। अब इसका वैल्यू रख दो तो टू इंटू और लॉग टू की वैल्यू कितनी है, 0.3010। आंसर कितना आ जाएगा, 0.6020। आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बारे में बात करें, नेक्स्ट की अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो यहां पर देखो कौन सी मिसिंग है, सिक्स। अगर मुझे लॉग सिक्स की वैल्यू निकालना है तो क्या रखना पड़ेगा, लॉग टू इंटू थ्री। अब लॉग की प्रॉपर्टीज हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, देखो यहां पे लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। आप यहां पे अप्लाई करो, लॉग ए प्लस लॉग बी अप्लाई करो, यानी सिंपल लॉग टू प्लस लॉग थ्री। अब दोनों वैल्यू को क्या करो, ऐड कर दो, लॉग टू एंड लॉग थ्री को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 0.7781। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉग एट, और लॉग एट को क्या लिख सकते हैं बताइए, टू के पावर थ्री। अब इसकी लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होता है, ए के पावर बी, सिमिलर जैसे हम लोगों ने इसका यूज किया, लॉग टू। अब लॉग टू की वैल्यू रखो 3 × 0.3010, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.9030। बोलो समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम बात करते हैं लॉग किसकी, लॉग नाइन की। अगर लॉग नाइन की अगर हम बारे में बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर का मतलब 2 × log 3, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहां पे 0.4771 में किसे मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 9542। क्लियर हुआ। तो ये पॉइंट आपने देखा, log 1 से लेकर 10 तक सारे वैल्यू आपने निकाल लिया, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, 5 और 7 की वैल्यू आपको याद रखने हैं, बाकी आपको खुद से बनाने हैं। क्लियर हुआ। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर लॉग वन की वैल्यू 0 है और लॉग टू की वैल्यू कितनी है, 0.30, तो उसके बीच कितने वैल्यू, बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, कितना, 1.1 से लेकर 1.9 तक की वैल्यू हो सकती है। चलिए ये भी आपको यूज होता है, कहां पे, थर्मोडायनेमिक्स में, सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा। चलिए इसके वैल्यू को निकालते हैं, अगर इसके बीच और इसके बीच की वैल्यू को देखा जाए, इन दोनों के वैल्यू के बीच के अगर देखोगे यहां पे, तो कितनी वैल्यू मिलने वाली है, 0.1.1 से लेकर 1.9 तक की वैल्यू मिलेगी। अब देखो इस पे निकालने जा रहे हैं हम लोग, कितने बच्चों, लॉग 1.1, ठीक है, 1.3, 1.4। इसका भी शॉर्टकट मैं बता रहा हूं आपको, कैसे इसको याद रखोगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट यूज करने सीखोगे। चलिए हमने क्या किया, 1 और 2 के बीच की वैल्यू को यहां पे लिख लिया। क्लियर है, चलिए अब देखो बच्चों, अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, आप इसको निकाल भी सकते हो, और जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं उसको भी आप यूज कर सकते हो। सिंपल आपको क्या याद रखना है, लॉग 1.1, यानी दिमाग में ये फिट करो, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और लॉग 2 की वैल्यू 0.30, इसी के बीच वैल्यू होगा, तो लॉग 1.1 की वैल्यू होता है 0.041, आपको याद रखना है, बस सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखना है, 41। क्लियर हुआ, और किसी की भी वैल्यू याद नहीं रखना है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर बनाएंगे कैसे, तो देखो बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, अब इसमें 0.08, अब सब में यहां से लेकर यहां तक जितने भी वैल्यू है उसमें 0.03 ऐड करते चले जाओ, क्या करते चले जाओ, 0.03, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इसको आपको ऐड करना है 0.03, बस सिंपल इतना काम कर लो,
आप एनालिसिस करो, हाँ इतनी की वैल्यू इतना है, 0.03 ऐड करो, 0.03 ऐड करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओ, एकदम आपको याद हो जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे वैल्यू निकालो, अब 0.08 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.11, बताइए पॉइंट, बोलो बोलो 14, 0.17, 0.20, 0.23, यहाँ बताइए 0.25 ले लेता हूँ, पॉइंट बताइए यहाँ पे कितना 28, चलिए क्लियर हुआ। अब आपको करना क्या, सेकेंड में अगर मान लो 3 डिजिट की नंबर की रिक्वायरमेंट है तो जो यहाँ पे लिखा एज इट इज यहाँ लिख लो, देखिए यहाँ 1, 1, 2, 2, 1.3 में 3, 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 5, 6, 7, 8 एंड 9, क्लियर हो गए, बहुत सिंपल था। आपको क्या याद रखना है, 1.1 की वैल्यू 0.04 होता है, 0.041, और उसमें 0.03 ऐड करते चले जाओ, और लास्ट में 1, 2, 3 लिखा है तो 1, 2, 3 लगा दो, क्लियर हो गया। अब ये जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये सारे वैल्यू कैसे बच्चों अप्रोक्स वैल्यू है, ताकि आपको लॉग टेबल देखना ना पड़े, क्लियर है, ओनली फॉर एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड वाले भी बच्चे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अब यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, अब इस पे हम लोग प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं। अब देखो प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, ठीक है, अब प्रॉब्लम करने से पहले एक बार आप इसको देखो, 1.1 से लेकर 1.9 की वैल्यू क्या करना है, 0.03 ऐड करना है, चलो ठीक है, लॉग 2 की वैल्यू 0.30, लॉग 3.47, लॉग 5.69, लॉग 7.84, याद हो गए। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, चलो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम लॉग 15, वेरी सिंपल। अब इसको दो तरीके हैं करने का, एक तो आप हाथ बंद करके ऐसे कर सकते हो, और थोड़ा सा लिखना, प्रैक्टिस करोगे तो सब पॉसिबल है। लॉग 15 है, अब दिमाग लगाओ 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी जो वैल्यू होगा 1. समथिंग होगा, और 0.5 का भी थोड़ी देर पहले वैल्यू आपने निकाला कितना होता है 1.75, देखो 1.75, इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर अगर आप चाहो तो कर सकते हो, कितना आएगा 1.175। अब इसी को निकाल के दिखाता हूं, चलो कैसे करोगे आप लोग, log log 1.5 इंटू 10^1 लिख सकते हैं, बोलो बच्चों। अब देखो सिंपल log का आप यहां पे प्रॉपर्टीज यानी log रूल लगाइए, log 1.5 प्लस log बेस 10^1, यानी सिंपल इसका आंसर कितना हो गया, और log 1.5 कितना होता है 0.175, अभी आपने देखा। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो कैसे निकालोगे, देखो log 1 की वैल्यू कितनी है 0, और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, उसका जस्ट आधा करो कितना हुआ पॉइंट, लगभग नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, 0.1175, ठीक है 0.175, और log 10 बेस 10 कितना हुआ 1, तो सिंपल आंसर कितना आ गया 1.175, ये क्या हुआ आंसर हो गया, वेरी सिंपल। चलिए और क्वेश्चंस कराता हूं आपको, बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देखो इधर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। लॉग 24 ले लो, अब लॉग 24 को कैसे लिखोगे, सिंपल देखो यहां पे लॉग 2.4 इंटू 10^1, अब देखो यहां पे क्या लिख सकते हो, लॉग 2.4 प्लस लॉग 10^1, यानी अब log 2.4 की वैल्यू कितना होगा, अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, और ये कितना है 50, यानी 0.4 है ना बच्चों, 2.4 है ना, यानी 0.4 की वैल्यू कितनी होगी, अब दिमाग लगाओ 50% जो रेशियो आ रहा है कितने का डिफरेंस आ रहा है 17 का, 17 में 2 से डिवाइड करो कितना आ गया बोलिए 8.5, यानी लगभग इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.384, बोलो। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, आप देखो किसके बीच, 2 और 3 के बीच आ रहा है, 50% आ रहा है, तो 50% उसको क्या करो डिवाइड कर लो, और log 1 की
लॉग बेस 10 के पावर 10 1 है, तो इसका मतलब कितना 1, इस तो इसका सिंपल आंसर कितना हो गया 1.384। बोलो बहुत सिंपल था। चलो एक और क्वेश्चंस करते हैं, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। लॉग 5 ले लो 4 3 ऐसा कुछ ले लेता हूं, ठीक है। अब सिंपल इसमें भी क्या करोगे, सिमिलर अब तो कॉन्सेप्ट बन गया होगा आपको, 5.43 इंटू 10 टू द पावर 2। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, लॉग 5.43 प्लस लॉग 10 के पावर 2। अब सिंपल बच्चों इसकी वैल्यू निकालो, फिर सिमिलर वही कॉन्सेप्ट यूज करना है 5.43। अब लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.6989, लगभग 70 ले लेते हैं, चलेगा ठीक है। लेकिन यहां 0.4 और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, लॉग 6 की वैल्यू कितनी होती है 0.7781। बोलिए तो लगभग कितना ले लूं मैं 0.7321, ठीक है। तो यहां पे ले लेता हूं 0.732, 3 डिजिट बहुत है, प्लस 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.72। तो ये क्या हुआ आंसर। तो ये जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज करो क्या दिया हुआ, लॉग 32 दिया हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 32 आप कर सकते हो 3.2 करके, लेकिन थोड़ा सोचो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लॉग 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, यस या नो। देखो अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 log 2, देखो वेरी सिंपल यार। अब 5 log 2 की वैल्यू कितनी होती है 3010, तो आंसर कितना हो गया बताइए 5001.5, यानी सिंपल बोले तो 1.5 आंसर हो गया। बोलो ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बारे में बात करें, एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो लॉग 700 है, इस क्वेश्चन को करना है तो सिमिलर वैसे ही करेंगे। तो क्या है बच्चों, देखो यहां पे लॉग 7 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब सिंपल आप प्रॉपर्टी यूज कर दो, तो यहां पे क्या होगा, लॉग 7 प्लस लॉग 10 के पावर 2, और लॉग 7 की वैल्यू कितनी होती है बताइए 8.8451। तो यहां पे लिख लो 0.8451 प्लस 2, तो इसका आंसर कितना हो गया 2.8451, सिंपल, कोई डाउट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, इस पर थोड़ा सा डिफिकल्ट। चलिए अब ऐसा कुछ ले लिया 2904325 1, 4 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इतनी बड़ी वैल्यू दे दी गई आपको, अब आपको लॉग निकालना है। सिमिलर वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको सिखा रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, लॉग 2.904325 4 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है तो 7 रखो। बोलो क्लियर हुआ। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 2.9 है तो इसको अप्रोक्सीमेट 3 लिख सकते हैं, थोड़ा सा वैल्यू कम कर देंगे, लॉग 3 की वैल्यू कितना होगा 0.4771, तो थोड़ा सा कम लिख लेंगे, तो कितना लिख सकते हैं इसका बताओ, पॉइंट बताओ 0.4667 कर लिया जाए, और लॉग 7 का मतलब 10 टू द पावर 7 का मतलब कितना 7, तो इसका आंसर कितना होगा 7.467। बोलो अब जितनी वैल्यू है वहां पे अगर 8 होता तो 8 point something हो जाता, क्लियर है। चलिए अब कुछ और डिफरेंट करते हैं। सपोज करो आपको कोई डेसिमल में वैल्यू दिया हुआ है, जैसे बोल दिया जाए
लॉग 0.2, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब लॉग 0.2 को क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं, 2 × 10⁻¹ करके कर लो या 2/10 कर लो। बोलो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 2/10। और लॉग 2/10 का मतलब लॉग 2, सिंपल a बाई बी, a बाई बी का प्रॉपर्टीज क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b माइनस लॉग 10। अब देखो लॉग 2 की वैल्यू कितना होता है, 0.301 माइनस, और लॉग यहां पे क्या है 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी उठाओ, माइनस 1 में से 0.30 का डाल 9, यहां पे 9, ठीक है, और यहां पे कितना आ गया 6, तो आंसर कितना होगा 0.699। क्लियर हुआ? चलिए कुछ और डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं। चलो लास्ट एग्जांपल ले लिया, लॉग 1.41। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, बोलो। आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, या अगर याद नहीं है तो कैसे करोगे, सिंपल बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, लॉग अंडर रूट 2, हाँ या ना, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितना होता है 1.41 होता है, या तो इसको ऐसे लिख लो लॉग 2^1/2, किसी कोई दिक्कत। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 1/2 लॉग 2, और 2 की वैल्यू कितना होता है 0.30, इसको डिवाइड कर दो, आंसर कितना हो गया 1.15। बोलो, तो ये था लॉग। तो वेरी सिंपल तरीके से आप किसी भी वैल्यू को बिना लॉग टेबल देखे हुए निकाल सकते हो। अब बात करते हैं एंटी लॉग की। अब बात करने जा रहे हैं बच्चों, हम लोग एंटी लॉग की बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक एंटी लॉग। क्लियर हुआ? अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट आएंगे। देखो एंटी लॉग निकालना है तो सिंपल एंटी लॉग, अब एक वैल्यू ले लेता हूं 4.8779। अब इसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों इसको बोला जाता है करैक्टर, क्या बोलते हैं बच्चों, करैक्टर, और इसको बोला जाता है मेंटिसा, इसको बोला जाता है मेंटिसा, सिमिलर। अब यहां पे एंटी लॉग है, लॉग का उल्टा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, इसको थोड़ी देर में शॉर्टकट फॉर्म भी बताऊंगा आपको कैसे करना, पहले स्टेप्स देख लो। तो सिंपल आप क्या करो, 10^ जो भी दिया है, कितना दिया है 0.877 आपने मान रखा है, चलो करो। अब इसको सिंपल इसको क्या कर दो, अलग अलग कर दो, तो यहां पर क्या है 10^4, यानी करैक्टर को अलग कर दो और मेंटिसा को अलग कर दो, इंटू 10^0.8779। अब देखो बच्चों यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, अब ये देखो 10^4 तो एज इट इज रहेगा। अब इसका सिंपल आपको करना क्या है, लॉग देखना है, क्या देखना है, लॉग। अब 0.8779 किसके नियर अबाउट है, सोचो, लॉग, लॉग 7, लॉग 7 की वैल्यू कितना था 0.8451, और लॉग 9 की वैल्यू कितनी थी बताइए, लॉग 7 की वैल्यू और लॉग 8 की वैल्यू कितना था बताइए। तो सिंपल सी बात है, किसका वैल्यू लॉग 7 और किसके बीच होगा, 8 के बीच होगा। अब 7 के नियर अबाउट है लगभग कितना, 7.54 ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे कितना आ गया 7.54 × 10⁴, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको ये एनालिसिस करना है कि ये लॉग 7 था, यस, लॉग 8 की वैल्यू है, अब उन दोनों के बीच रेशियो निकालना है और उसे डिवाइड करना है। जब आप 10 क्वेश्चन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलो एंटी लॉग का निगेटिव वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पॉजिटिव था, वेरी सिंपल था। अब बात करते हैं निगेटिव, इसी क्वेश्चन में आप निगेटिव लगा दो, इसी में हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव लगा लेते हैं। देखो अगर मान लो एंटी लॉग निकालना हो -4.8779 की,
तो सिमिलर आपको करना क्या है बच्चों, आपको करना क्या है, 10 के पावर जो वैल्यू लिखा है उसको एज इट इज लिख दो, बसरते सेम वैल्यू था आगे माइनस लगा हुआ था। आप फिर क्या करो, करेक्टर और मैंटिशा को अलग अलग करो, आप भी करो, ठीक है। 10^0.8779। अब यहां पे क्या लगा बच्चों, माइनस, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, सिमिलर इसमें एक आपको जोड़ना है और एक क्या करना है, घटाना है। क्या करना है बच्चों, 10^-1 × 10^+1। याद हो गया क्या करना होता है, जब भी माइनस दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग, 0.8779। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक 10^-1 को क्या करना है, 10^-1 करना है इंटू 10^ क्या करना है, प्लस वन, यानी एक जोड़ना और एक घटाना। कॉन्सेप्ट याद रखना, ये शॉर्टकट में काम आएगा, क्लियर है। चलो देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10^-5 × 10^। अब एक में से इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा, देखो सिंबल यहां पे कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 0.1221। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, इसका क्या निकालो, लॉग। क्या निकालना बच्चों, लॉग। अब देखो लॉग कैसे देखेंगे, लॉग 2 की वैल्यू कितना, 0.30, और लॉग 1 की वैल्यू 0, यानी इसका आंसर किस 1 और 2 के बीच आएगा। अब कितना, 0.12, यानी 1.15 से भी कम है, इसका आंसर 1.5 से भी कम आएगा, इसका मतलब कितना, 1.32 लगभग, तो इसका आंसर कितना होगा, 1.32 × 10^-5। वेरी सिंपल, बोलो क्लियर हो रहा है। तो सिंपल आपको देखना क्या है, लॉग 0 की वैल्यू इतना है, लॉग 1 की वैल्यू इतना है, अब उसका 50% या कितना दिया हुआ, देखो 0.12, 50 से कम है यार, तो 50 से कम है तो 1.5 नहीं ले सकता ना, कितना लेना पड़ेगा, लगभग 1.32। आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो ऑटोमेटिक आइडिया जनरेट हो जाएगा। चलिए मैं आपको दो क्वेश्चंस कराता हूं केमिस्ट्री का। चलो देखो अब क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, आपको क्वेश्चंस ये दिया जा रहा है, यहां पे लॉग के ऐसा दिया जाता है, अब यहां पे वैल्यू दे दिया है -5.691। अब ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, ये कहां पे आएगा, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चंस बनेगा, क्लियर हो रहा है। तो सिंपलर आप करते क्या हो, देखो पूरा सॉल्व करना है, आपको करते क्या हो, दोनों साइड में एंटी लॉग लेते हो, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड सिंपल क्या ले लो, एंटी लॉग ले लो। अब एंटी लॉग ले लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, के एंटी लॉग, यहां पे एंटी लॉग, तो एंटी लॉग को ए एल लिख देंगे शॉर्टकट में, क्या लिखेंगे, ए एल, एंटी लॉग, यहां पे क्या होगा, -5.691। अब देखो बच्चों ये किसका एग्जाम्पल बन गया, माइनस वाले का एग्जाम्पल बन गया। अब माइनस वाले का एग्जाम्पल बन गया तो मैंने अभी थोड़ी देर शॉर्टकट क्या बताया था, बोलो एक जोड़ो और एक घटाओ, सिमिलर -5.691 + -1। अब इसको सिंपल कैसे करेंगे, देखो यहां पे एंटी लॉग एल 6^0, इसको बार के फॉर्म में लिख देंगे, यानी -5 था -1, तो 6^0 क्या होगा, माइनस, यानी 6 बार। अब एक में से इसको घटाओ, 0.691 को क्या करेंगे, एक में से घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, सिंपल बताओ, बताओ बच्चों कितना आ गया, 309, कितना आ गया, लगभग 309, बोलो कोई दिक्कत, सिंपल एक में से हमने क्या कर दिया, घटा दिया, ऐसे दिमाग में फिट रखो। अब देखो सिंपल क्या लिख देंगे, अब 0.309 का हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, लॉग। अब 0.309 क्या है, किसकी वैल्यू होता है, बोलो लॉग 2 की, तो सिंपल आंसर क्या हुआ, 2, और यहां पे क्या है, 6^12 है, इसका मतलब 10^ क्या है, 6, लेकिन किसके फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, सीधा आंसर हो गया। तो वेरी सिंपल है यार, एंटी लॉग लॉग निकालना।
बसरते आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो। चलो एक आसान सा क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, चलिए एक और क्वेश्चन, ये फर्स्ट था सेकेंड। अब मान लो यहां पे दिया हुआ है लॉग के दिया हुआ है और इसकी वैल्यू है 2.6453 कर लो। चलो अब इसको निकालना है, लेकिन आपको पेन नहीं चलाना है, ऐसे हाथ बंद करो, आंसर बताओ, सोचो। अगर 2 है इसका मतलब 10^2, मेरे साथ साथ सोचना शुरू करो, इसका मतलब ये क्या है, कैरेक्टर, और ये क्या है, मेंटिसा। तो कैरेक्टर कहां जाएगा, पावर में, यानी 10^2, पहले समझ में आ गया। अब ये वैल्यू देखो किसके नियर अबाउट है, मींस इसका क्या लिखा लॉग, और ये कहां जाएगा, पावर में। अब ये नहीं करना यार, आप सीख गए, मैं मान लिया, बोलो 0.6453 किसके नियर अबाउट वैल्यू है, सोचो किसके नियर अबाउट वैल्यू है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 4 और 5 के बीच, किसके बीच, 4 और 5, लॉग 4 की वैल्यू कितना होता, 0.6020, और लॉग 5 बताओ, तो दोनों के बीच की वैल्यू है, अब उसे डिवाइड करो कितना, लगभग 4.5 तो नहीं लिख सकते, थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, कितना, 4.43 × 10^2, सिंपल आंसर। आई होप ये सारे लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो बस बच्चों आज इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक तूफानी कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों ओके, बाय बाय, टेक केयर।